बात है सर, आप काफी स्लीपी स्लीपी लग रहे हैं। रात को नींद पूरी नहीं हुई है क्या आपकी? क्या है, नींद तो पूरी हो गई थी, लेकिन यार वर्कलोड वाकई थोड़ा था, कुछ पेंडिंग काम था वो कर रहा था। तो आज सुना भी है मैंने कि कोई वर्ल्ड स्लीप डे है, तो मैं तो वैसे सोने के मूड में ही था, मैंने कहा आज छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन यू नो वर्कलोड, तो उस वजह से छुट्टी तो नहीं ले सकते। और मैं आपको बताऊं, आजकल जो बच्चे हैं ये बड़े लापरवाह हो गए हैं, और स्लीप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो, वो रात भर जागते हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के चक्कर में और बात चैट करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन स्लीप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उससे क्या होता है, एक तो आपका जो शरीर है वो रेजुविनेट होता है, यू नो, आपको एनर्जी गेन करने के लिए, एनर्जी देने के लिए यू हैव टू रिलैक्स आल्सो, स्लीप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप कितने भी बिजी हो लेकिन आपको अपनी अगर स्लीप पूरी नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको काफ़ी तकलीफ हो, राइट, हो सकता है आपका बुढ़ापा जल्दी आ जाए, यू नो, सो दैट्स नॉट गुड। एंड स्पेशली फॉर लेडीज, बिकॉज वो आजकल हो गया है कि दे आर वर्किंग आल्सो फुल टाइम, दे आर बिजी इन ऑफिस एंड देन दे हैव टू लुक आफ्टर देयर हाउसेज आल्सो, होम आल्सो, यू नो, सो should have good sleep, otherwise kaan ke aankh ke niche lambe aa jana, you know, so that beauty also goes, which is very important for everyone, not just for girls but for everyone. So I think hame sabko ye sleep day ko is tarah manana chahiye ki sleep is very important. एक संदेश हमें देना चाहिए कि स्लीप डे मतलब आप पूरी नींद लें, उस दिन नहीं, डेली आपकी एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए, ओके, सो दैट यू कैन रीगेन योर एनर्जी एंड यू कैन वर्क बेटर। सो दैट्स माय आई थिंक मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स एंड माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय एल्डर्स, थैंक यू सो मच, आपने मेरी नींद उड़ा दी है। आते हैं और मोबाइल फ़ोन उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है, अगर खुद पे कंट्रोल होगा तो फिर वो मोबाइल को टच भी नहीं करेंगे। और एक कहते हैं, ऐसे सर्वे में आया है कि एक नॉर्मल इंसान जो है उसको 8 घंटे की नींद एक दिन में लेनी चाहिए, और एक जो स्टूडेंट होता है उसके लिए 6 आवर्स पर डे की स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। तो उनका मेन रीज़न यही है कि वो लोग मोबाइल में, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके कारण फिर वो सो नहीं पाते हैं। परफेक्टली मैच कर रहा है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, सबसे बड़ा रीज़न तो है हमारा लाइफस्टाइल, सेकंड होता है स्ट्रेस। आज देख रहे हैं हमारे जो लाइफस्टाइल है, हम इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, किसी के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, बस फटाफट हमारे काम होते चले जाए, इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और वो स्ट्रेस लेवल इतना होता है कि हमें रात में भी हम चैन की नींद नहीं सो। सो हमें ड्रीम्स हमारे बिग रखने चाहिए, हाई रखने चाहिए, लेकिन साथ के साथ उस पर वर्क भी करना चाहिए ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहे। और योगा, मेडिटेशन, बेस्ट वे टू बी रिलैक्स एंड हैव अ हैप्पी। थैंक यू सो मच सर।
है और कॉम्पिटिटिव क्लासेस का भी, क्योंकि मैंने कुछ समय के लिए ये कॉम्पिटिटिव क्लासेस अटेंड की। सबसे बड़ा जो महत्व है ये है, और बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर कोर्स को लेकर एक स्ट्रेस है। लड़का चाहता है कि किसी भी प्रकार से मैं इस एग्जामिनेशन के अंदर सर्वाधिक, अभी आप देखिए रात और दिन जो है पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनको ऐसे मॉड्यूल्स दिए जाते हैं कि आपको एक ही दिन के अंदर 1000 क्वेश्चन सोल्व करके इस टॉपिक को पढ़ाना है। इसलिए बच्चे जो है सो नहीं पाते, उनको कम्प्लीट रेस्ट नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम और यही कारण है तो उससे बच्चे आए दिन आत्महत्याएँ करते हैं, पढ़ाई से जो है विमुख हो जाते हैं। ये सब समस्याएँ हैं, इसलिए हमें इस समस्या के समाधान के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए। द मेन गोल ऑफ दिस डे इज़ जो स्लिपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए हम ये स्लिप डे मनाते हैं। तो द रीज़न बिहाइंड दिस कि आप लोग मोबाइल से, जो आजकल के बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर, दोज हु स्पेंड देयर मोर ऑफ द टाइम ऑन द मोबाइल, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को कीप अवे करिए। जितना ज़्यादा मोबाइल से दूर रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो दूसरी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे आप बाहर वॉक करेंगे, आप ग्राउंड में जाएंगे, तो दीज आर द रेमिडीज जिससे आप अपना स्लीपिंग डिसऑर्डर हटा सकते हैं। और आप प्रॉपर नींद लीजिए, जो 8 आवर्स हर पर्सन के लिए कंपलसरी होता है, यू नो इट इज़ मैंडेटरी, डॉक्टर्स ने भी इसको सजेस्ट किया है, आप 8 आवर्स की नींद लीजिए। मोर और लेस वी आर द वर्किंग वुमेंस, वी आर द टेक केयर ऑफ द किड्स, द फैमिली मेम्बर्स, तो उसके बाद में क्या होता है कि हम हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम फिर उसके बाद लगता है कि चलो मोबाइल पर स्पेंड करते हैं। तो मैं तो हर, नॉट ओनली बीइंग अ लेडी, मैं आपको ये बोलती हूँ कि हर एक को यही सजेशन दूंगी, आप प्लीज़ मोबाइल से अपना डिस्टेंस बनाइए, और जितना टाइम आप मोबाइल में दे रहे हैं बेटर है यू शुड इन्वॉल्व योर सेल्फ विद द फैमिली मेम्बर्स, लाइक दादा दादी होंगे, मामा पापा होंगे, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, आप उनके साथ में इन्वॉल्व करिए, आप बैडमिंटन खेलिए, देर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, अगर आप उनको रेगुलराइज करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, इट्स गुड फॉर यू, सीरियसली आप योगा करिए, द मेडिटेशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिसके थ्रू आप अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू। नींद हमारे लिए सबसे जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम नींद पूरी नहीं कर पाते तो हमारे जो लाइफ के जो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं उनको फोकस नहीं कर पाते। अगर हम अपने मेन टारगेट में फोकस नहीं कर पाएंगे तो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी। बहुत सारे हैं जो हम रात को, सबसे मेन रीज़न है मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग और भी कई सारी हैं, स्ट्रेस या मतलब किसी से लड़ाई हो जाए, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मतलब लोग हम स्ट्रेस में रहते हैं तो नींद नहीं आती है। लेकिन आई थिंक वी हैव टू स्लीप, जल्दी हमें सो जाना चाहिए, अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो हमारी नींद पूरी होगी, नींद पूरी हो जाएगी, और नींद पूरी हो जाएगी तो हम पूरे दिन फ्रेश फील करेंगे,
और अगर अपन फ्रेश फील करेंगे तो हम अपने काम को ढंग से कर सकते हैं, अपने पूरे दिन को अच्छी तरह से बिता सकते हैं, जो भी चीज़ हम करना चाहते हैं उस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से फोकस होकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव टू ऑल्सो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे, योगा और एक्सरसाइज करेंगे तो हम और ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे तो पूरी एनर्जी से किसी काम को पूरा करेंगे, और पूरी एनर्जी से किसी काम को, एंथुसियाज्म से किसी काम को करते हैं तो वो काम शायद बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। हैप्पी स्लीप डे, दिस इज माय द बेस्ट डे एंड फेवरेट डे, क्योंकि सोने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सबने बहुत सारी बात बताई है कि विमेन स्पेशली द डे एंड नाइट कंप्लीट वर्क फॉर देम। सो सबसे पहले तो विमेन के लिए मैं यही बोलूँगी कि सोना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ब्यूटी इज मस्ट। अगर आप सोएंगे अच्छा तो आपकी हेल्थ प्लस जो आपकी स्किन है वो बहुत अच्छी रहेगी। न्यूट्रिशन सिर्फ फ्रूट से एंड वेजिटेबल मील से नहीं मिलता, सोने से भी बहुत ज़्यादा मिलता है जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता। सेकेंड थिंग इज जैसे कि मोबाइल के लिए फाइल मैंने बहुत अच्छा बताया, ये हम मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप होते ही मोबाइल के दर्शन करते हैं। तो मोबाइल से अच्छा ये है आप सबसे पहले जाकर या तो लेट सोइए, एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आप वो भी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप मॉर्निंग में गाने ज़रूर सुनिए लेकिन एक फ्रेश एयर लीजिए, फ्रेश ब्रीथ लीजिए, वॉकिंग पर जाइए, योगा करिए, दैट इज़ वेरी मस्ट। तो विश यू गुड लक फॉर स्लीपिंग, खूब सोइए, खूब हंसिए एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। इंसोमिया की बात की है, मैं केवल उसके बारे में, नींद कितनी ज़रूरी है मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। कई बार हम लोग काम को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, काम इतना ज़रूरी है ऐसा मानते हैं, उसके लिए हम नींद को छोड़ देते हैं। और खुद मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ तो योग के बारे में हम एक बहुत छोटी बात कहते हैं हमेशा कि भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, खाने से वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। नींद में ऊर्जा संग्रहित होती है, एनर्जी गेट रिस्टोर्ड, इट गेट स्टोर्ड व्हेन यू आर स्लीपिंग। और जब आप जागते हैं तो ऊर्जा खत्म होती है, खर्च होती है। तो यानी आप कितनी भी ऊर्जा ले लें खाने के द्वारा, जब तक आपके पास में सोते नहीं है भोजन रिस्टोर नहीं होगी। इसलिए आप कितना भी आप काम करें, कितना भी खा लें, आपको थकान महसूस होगी क्योंकि ऊर्जा स्टोर नहीं हो पाएगी। और ये किस तरीके से हटती है, या तो आपके दिमाग में आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें सोच रहे हो, जैसे कहते हैं एक तरीके से ख्याली गुलाब में गुलाब है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में आइडियोलॉजिकल चीज़ें ऐसी चलती हैं जो वास्तविक दुनिया में नहीं है। तो आप उन चीज़ों को आपके दिमाग में चलती रहती है, आपको रेस्ट नहीं होता, यू आर लाइंग ऑन द बैड, बट इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग यू वुड नॉट बी एबल टू स्टोर दैट एनर्जी। तो सोना इसलिए ज़रूरी है, और जब तक आप इन गैजेट से दूर नहीं होंगे, आप नेचुरल लाइफ की ओर नहीं जाएंगे, नेचर की ओर नहीं जाएंगे, तो ऊर्जा कम होती जाएगी। आखिरी की बात के साथ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा मैं। योग में कहा गया है और साथ में एक वेस्टर्न फिलोसफर ने भी कहा है, गहरी नींद में आदमी परमात्मा के करीब होता है। जो परमात्मा के करीब होता है वो हमेशा यंग रहता है, सदा बाहर रहता है, ऊर्जा फुल रहती है। आज के दिन इससे अच्छा संदेश नहीं दे सकता कि नींद पूरी लीजिए ताकि काम पूरा कर सके, जिंदगी पूरी जी सके। शुक्रिया, धन्यवाद। एक्सपीरियंस एंड व्यूज मिले फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज। सो आई बिलीव जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट दी वर्ल्ड स्लीप डे एंड वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप नाउ। सो वी आर साइनिंग ऑफ विद माई टीम, प्रियांशी, दीपक एंड गर्व। थैंक यू सो मच।